सुहाना सा मौसम है, धूप पड़ रही है। आहा, कूल्हे में, अरे प्लेन मारू, प्लेन को, मेरे घर, मेरे घर के आगे खून, खून मांगता है मेरा घर। अजरे रुक जा भाई, प्रो हूँ मैं। क्यों रे भीड़ बनाए खड़े हो, कोरोना फैलो, भीड़ भीड़, अरे भीड़ भीड़ ले लो 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 लो, बस एक मिनट में बिछा दी, नहीं बिछा दी बस, अकेला बचा है ये, क्या बात। पीरो AK-47, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस, इसको फोड़ेंगे, 1, 2 एंड 3, बात। वन स्टार पुलिस आ रहा है, पुलिस जेब में गली हो, और मर्डर करेंगे यहाँ पे। चलो आओ रे, कोरोना फैल रहा है सारे घर में, हो लो, कोरोना की बारात आ रही है, बुआ बन के आग गगना, चलो फूफा बन ले और हो लो पीछे। पुलिस, ओ मैडम, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर ऊपर, सॉरी। ओ एक और आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई, इसको भी फोड़ेंगे, रुको। आजा रे आजा चंदा, 1 2, अरे रुको, कहाँ रुकोगे सर? उन नहीं रुकी, उन नहीं रुकी, इसको मारूंगा तो रुकेगी क्या? सर पीरो हूँ मैं, ये बात, मजा आ जाता है, कोई भागो मत, मैं मारना, अरे सर भागो मत, डरो मत सर, मैं मारूंगा नहीं सर, मैं नहीं मार रहा सर, सर देखो मैंने बस पकड़ रखी है गोली, सर सर बंदूक पकड़ रखी, सर मैं नहीं मारूँ, रुक जा मारूँ, भागेगा, टेस्ट कर रहा था सर, आप भागोगे कि नहीं, आप नहीं भागे, थैंक यू। ए रुक 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 रुक, अरे यार AK-40, वो गायब हो गया। अरे और कोई, ओ पठो, पिस्टल, AK-47 फिर से आ गई, अरे हेडशॉट लेंगे, आ जा रहे, ओ ये रे रे, यही है, ये यही है, अरे वापस आ गया, अरे वो आ गया, अरे सर, अरे रुक क्रिश, अरे रुक, अरे बच गया, अरे भाई ये मर क्यों नहीं रहा, क्या है इसमें? तेरे को तो आज मैं मारूंगा, पीछा करके मारूंगा तेरा, रुक जा, चल चल चल, पीछा करो पीछा करो, इसका पीछा करो पीछा करो, ओ फिर आ गया फिर आ गया फिर आ, अब तो तू गया साले। अरे यार कभी कभी तो इतना सही मारता हूँ मैं, फिर हो गया ऐसा, तेरे को मारना मेरे स्वाभिमान की बात हो गई यार, अब तो तू तो गया। चलो भगले फिर, और पुलिस आएगी, आए इन्हीं की गाड़ी लेके भागते हैं। क्या कर लिया तुमने, क्या कर लिए? HPV-1000, अच्छा तभी ये सबसे तेज है, मेरी गर्लफ्रेंड आ रहा हूँ मैं। ओह गोलियां चल रही, गोलियां चल रही है, आर्मर भी नहीं है मेरे पास तो। अरे जल्दी जल्दी, कभी कभी सैन एंड्रियास ऐसे में दुखी कर देता है। चलो चलो चलो, अबे बच्चों तुम मेरे को नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हारा नाम पुलिस है और मेरा नाम गैंगस्टर है। कहाँ है, मेरे आसपास है पर आवाज़ नहीं आ रही, मतलब आवाज़ आ रही है पर मेरे आसपास नहीं है। ए बेला बच्चे हो, अरे रे रे, मैं तो इन्हीं की गाड़ी लेके चल रहा हूँ, ये मुझे पकड़ लेंगे, GPS है ना? नहीं यार 2004 का गेम है, तब तो GPS नहीं होता था ना, पकड़ेगी हो बे, आओ 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 आओ, दम है तो आओ, अरे जाओ दम ही में, ओ ओ, ओ, ओ बहुत दम है, बहुत दम है सर, मर गए रे, जरा सी हेल्थ बची है, रुको रुको, लेट मी टीच यू हू एम आई, चल, ओ हो, वाह भाई, ओ कार वाले ने मेरी, रुक कार वाले मेरी, ओह 3 स्टार बोले, कितनी फोकट की एमिंग है मेरी, फिर से कार वाले ने मेरी मदद कर दी। आहा चलो शांति शांति, बचे थोड़ा, 3 स्टार पुलिस है, कहाँ कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं। ऊपर खुला है क्या, हेलीकॉप्टर आ सकते हैं ऊपर से? ऊपर से हेलीकॉप्टर्स तो नहीं आ सकते, चलो छोड़ो,
अभी पुलिस अभी 3 स्टार पुलिस, पहली बार मुझे जीटी में 3 स्टार पुलिस मिली है। शांति बना के रखें, पुलिस को आते ही उड़ाना हमारा धर्म है। एक कार फोड़ दूं, बूम, चलो ये भी। अरे रुको रुको रुको, इसके टायर पंचर। शांति मिली हमें। अरे यार उसी को यूज़ करके मैं भाग सकता था, वहीं बैठना पड़ेगा जब तक ये 3 स्टार वांटेड लेवल अपने आप हट नहीं जाता। टैक्सी 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 के पहले टायर पंचर करते हैं, उसके बाद टैक्सी को उड़ाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, एंड देन टैक्सी बोले बू बू बूम। और जिसमें दम, एक एक करके आ गई आ गई, छुप जाऊं, इनको भी उड़ाई दूं। शांति शांति बोले, कहाँ है बस। अरे बच गए बच गए, गई, दम ही नहीं है मेरे से भिड़ने का, गए साले। अरे क्या डरना किसी से, कोई कहीं से आ नहीं रहा, किसी में दम ही नहीं मेरे को पकड़ ले। 3 स्टार वांटेड लेवल है मेरा, 3। ओ आ गई आ गई आ गई, बुरा मार गई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, मारू आठ, जिसको बोलते हैं मर, तेरी ऐसी तैस आ जाएगी। दूसरा भी आएगा ना, आ गया, ये ले, और हाँ बचेगा। 4 स्टार वांटेड लेवल, ओहो इसको बोलते हैं कुछ तरक्की। ओ शॉर्ट गन के साथ आया, शॉर्ट गन आ जा रहे। 4 स्टार वांटेड लेवल, एक अच्छा 2 गाड़ी आई थी, बड़ा ही शांति का माहौल अभी है 4 स्टार वांटेड लेवल में भी। क्यों अब तक तो हेलीकॉप्टर आ जाने चाहिए थे, 20-20-30-30 गाड़ियाँ आ जानी चाहिए थी, मेरा ही तो खौफ है। और मैंने अब तक इस वीडियो में कोई कट नहीं लिया जिससे साफ पता चलता है कि मैंने कोई भी चीट यूज़ नहीं किया। सब तुम्हारे सामने अपने दिमाग का प्रयोग करके। ओहो, इसमें तो वो आएंगे टोपी पे गार्ड वाले, अरे यार वो थोड़ी अपर पुलिस उन्हें क्या पता नहीं क्या बोलते, उनको स्पेशल ऑफिसर्स आएंगे। क्यों ना मैं ये कार को फोड़ दूँ अगर मैंने शूट किया, क्योंकि अपने पास बंदूक नहीं गोली तो अनलिमिटेड है, तो क्यों ना यहाँ शूट करूँ और इसके कारण साइड वाली कार फूट जाएगी, साइड वाली कार के कारण पीछे वाली कार फूट जाएगी, मतलब जो ये बड़ी वाली गाड़ी आई है, सब अपने आप अंदर ही अंदर मर जाएंगे। तो यही किया जाए फिर, रुक जाओ थोड़ा, एक पोजीशन मुझे मिल जाए जिस पोजीशन में आके मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं तो कर ही सकता हूँ, पर मुझे वो कार एक पोजीशन में चाहिए कि जब मैं इसको फोड़ तो वो भी फूट जाए। एक पोजीशन चाहिए कार की, वो कार जैसी इधर है ना, क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया देखो अपने लिए वो, हाँ, टम टम टारा, ये बस हो गया अपना काम। अब इसे साइड वाली कार फूट जाएगी और उस साइड वाली कार से वो वाली कार फूट जाएगी, सीधी सी बात है। सो मच ब्रेन, ये गई दूध उसमें आगे लग गई। योर हुड इज अंडर अटैक मरंदेव। ओहो ये सब बच गए, फिर फोड़ने का मतलब क्या है, सारे बच गए तो। ओहो ये तो मार देंगे मेरे को 1 मिनट में, मेरी हेल्थ नहीं है सर, थोड़ा सा तरस खाइए, जा बाढ़ में जा तरस। अब 4 स्टार ही है वांटेड लेवल, तो मतलब अपना काम हो ही गया। क्या हो रहा है, अटक बाइक भी गई, एक और गाड़ी आ गई, इस गाड़ी को ट्राई करते हैं, इसको भी फोड़ दें यहीं से। आजा आजा गन चेंज करूँ, ये रहने दो, यही रहने देते हैं।
क्या फायदा चेंज कर। टेंस माहौल है, थोड़े शांति बनाए रखिए। हमें एक पूरी की पूरी बड़ी पुलिस ऑफिसर से भरी हुई एक बड़ी गाड़ी उड़ानी है और शायद यही मौका है। शायद कर पाए, शायद मार दें उन्हें। मेरी उंगलियां तो गई थी देर से एम करके, आई नहीं। आ गया, आ गया, आ गया। अरे कहाँ से मारूं गाड़ी को? बस बस बस, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ क्या बताऊं, क्या एक नंबर। एक ही शॉट में पूरी की पूरी पुलिस वैन उड़ा दी। गेम भी याद रखेगा, एक गैंगस्टर था। कैसा लगा ये वाला शॉट, कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ही बार में जो हम चाहते थे वो हमने कर दिया। तो प्लीज़ कमेंट में बताना तुम लोगों को ये शॉट कैसा लगा। मेरा तो एक नंबर काम है। अब कौन है दादा? मैं हूँ दादा, बस। अच्छा एक और गाड़ी आई, इसको भी फोड़ देंगे। टेंशन नहीं लेना, अब तो गाड़ी फोड़ने में अपन एक्सपर्ट है। गोरी गोरी आजा आजा, ऐसे नहीं है, ये अपने को ही फोड़नी पड़ेगी जाके। चढ़ जाऊँ? आ जा रे दाएं से। एक तो मेरे माउस की, अच्छा फूटी हुई गाड़ी को मार रहा हूँ मैं ये सोच के कि उसको फोड़ना है। आजा जा जा जा। फिर से एक बार टेंस सिचुएशन आ गई है, इसलिए शांति है माहौल में। बढ़िया, चलो टायर गया टायर गया टायर गया, या नहीं गया, दो दो गाड़ी हैं। चलो रे आगे चलो, अपन गैंगस्टर सबके बाप है, अपन देख लेंगे। ये तो गया गया गया, ड्राइवर गया। अच्छा उस तरफ ड्राइवर होता है ना? नहीं गया ड्राइवर, नहीं गया कंडक्टर गया। रुक 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 रुक, अरे रुक रुक रुक, इतना गुस्सा किस बात का मेरा ले। ओह ये भी गया, शॉटगन लेने जाऊँ क्या? नहीं नहीं मार दो मार दो, देरी। गाइस बिना आर्मर के, बिना किसी हेल्थ के, इतनी देर इन लोगों को टेंशन में मार दिया, इतनी देर इन लोगों को थका दिया, 4-स्टार वांटेड लेवल के साथ अनकॉट रहा, बस्टेड नहीं हुआ। मैं सलाम करता हूँ अपने इस जज्बे को। आज का गेम प्ले अच्छा लगा हो तो पहले वाला भी देखना, जिसने पहले के एपिसोड नहीं देखे उनको कैरस मेज पेरिस का एपिसोड देखना, ठीक से। मेरे चैनल पे तुम जाओगे तो तुम्हें GTA San Andreas की प्लेलिस्ट में पहले के एपिसोड नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं। तो पहले के कोई एपिसोड नहीं है, ये स्टार्टिंग एपिसोड है, इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और एक और बात कि मैं GTA San Andreas क्यों खेल रहा हूँ GTA 5 के ज़माने में, क्योंकि मेरा PC इतना अच्छा वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो नहीं है उसकी पास डिग्रियाँ, मतलब 12th में है वो अभी, तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जैसे ही डिग्री आएगी, मतलब लॉकडाउन खुलेगा और माहौल थोड़ा ठीक होगा, मैं डेफिनेटली एक PC बिल्ड करवाऊंगा, जिस PC के द्वारा मैं आपको सभी खेलों का आनंद प्रदान कर सकूं। और एक और बात आती है, एक्चुअली San Andreas खेलने के पीछे मेरे दो मकसद है, मकसद नहीं एक मजबूरी। एक मजबूरी है जो मैं बता चुका कि मेरे PC ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दूसरा मकसद जो है वो ये है कि अगर मैं तुम्हें San Andreas एंटरटेन कर सकता हूँ तो मैं GTA 5 तक का वेट क्यों करूँ? एटलीस्ट अपने चैनल पे वीडियोस की क्वांटिटी तो बढ़ाऊँ। और हाँ, अगर मैं तुम्हें इसे एंटरटेन कर सकता हूँ फिर भी ना करूँ तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बहाना निकाल रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम लोग तुम तुम तुम, तुम, तुम